सो गाइस, ईमेल मार्केटिंग हर बिजनेस की जान होती है, खासकर जब आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो उससे भी गाइस ज्यादा बढ़ के। तो बहुत बार मुझसे क्वेश्चन किया गया कि ईमेल मार्केटिंग होती क्या है, ईमेल मार्केटिंग कैसे स्टार्ट की जा सकती है, कैसे आप उसे अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। So let's get started. So guys, welcome back to the channel. My name is TN. I'm the best in the world, as you know, and you are watching online money. तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग के बारे में। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और प्लस दिखाऊंगा भी क्या कौन सी चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, और यही बताऊंगा कि व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग एंड कैसे आप इसे जीरो टू $50, $100 और इवन $1,000 और जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा क्या चीजें इसके लिए जरूरी होती हैं और क्या वो चीजें हैं जो आपको उस लेवल तक पहुंचाएंगी। तो सबसे पहले मैं बताओ कि ईमेल मार्केटिंग होती क्या है। ईमेल मार्केटिंग ये होती है कि आपको किसी पर्सन का ईमेल एक्सट्रैक्ट, उससे ईमेल लेके उसको ईमेल्स के जरिए किसी पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन देना ईमेल मार्केटिंग कहलाता है, ठीक है। और अगर आप किसी से ईमेल खरीदते हो और उसको फिर किसी चीज की ईमेल करते हो, उसको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हो या उसको किसी प्रोडक्ट पर ड्राइव करने की कोशिश करते हो, किसी चीज को सेल करने की कोशिश करते हो, तो उस चीज को स्पैम कहते हैं। बिकॉज यहाँ एक चीज आती है, गैप आता है, जिसको बोलते हैं कि वो बंदा आपके ईमेल को रिसीव तो कर रहा है लेकिन वो बंदा आपको नहीं जानता, तो इसको स्पैमिंग कहते हैं, ना कि ईमेल मार्केटिंग। सही और एक्चुअल ईमेल मार्केटिंग ये होती है कि जब आप किसी बंदे को कुछ ऑफर करो और वो आपको देख के ऑप्ट इन करे और आपके ईमेल को कंफर्म करे, तो उसको बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको क्या चाहिए वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आपको पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कुछ ईमेल्स हों, अगर 1,000 2,000 ईमेल्स हों या 10,000 ईमेल्स हों, तो आप कितने सारे और कितना अच्छा अर्निंग कर सकते हैं वो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। तो गाइज, वो दिखाने के लिए ये कैलकुलेटर आपके सामने मैंने खोल रखा है। यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अगर मान लो आपके 10,000 ईमेल्स हैं और आप हर दिन 10,000 ईमेल्स अपने पूरे जो आपके ईमेल सब्सक्राइबर्स हैं उनको सेंड करते हो डेली एक ईमेल्स, ठीक है। मान लो वो ईमेल सिर्फ $10 का ही होता है, $10 यानी 700 रुपये होते हैं। तो अगर मैं उसको 700 रुपये से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप कितना रुपए अर्न करोगे डेली के, आप देख सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 70 लाख रुपए आप डेली के अर्निंग करोगे अगर सिर्फ आपके वो जो लोग हैं वो सिर्फ $10 का प्रोडक्ट आपसे खरीदते हैं। तो चलो, मुझे पता है कि आपको ये चीज रास नहीं आई होगी। आप बोले हो कि 10,000 लोग तो कभी ईमेल खोलेंगे नहीं। अगर आपके पास 10,000 की लिस्ट है तो मान लेते हैं कि उसमें से सिर्फ 30% जो मान लेते हैं क्या जो प्रूवन है कि 30% लोग हमेशा आपके ईमेल्स को ओपन ही करते हैं, और उसमें से भी अगर मान लेते हैं कि उसमें से भी 10-20% लोग भी क्लिक करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग करोगे। तो यहाँ मैं 30% का एक डाटाबेस लेके चलता हूँ, 30% लोग और सिर्फ वही आपके 700 रुपये, सो आप कितनी अर्निंग करने वाले हो? 21 लाख रुपए। फिर भी आप 21 लाख रुपए अर्निंग करोगे अगर एक बंदा आपका 700 रुपए का प्रोडक्ट खरीदता है। ये तो मैंने बहुत ही ज्यादा इनिशियल लेवल पे चीजों को बताया है। अगर आप के वही 3,000 बंदे $50 का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, इट्स मीन 3,500 रुपए बिना किसी टेक्स्ट के, तो आप देख सकते हो कि आप कितना ज्यादा पैसा अर्न करने वाले हो, जिसकी गिनती भी शायद आपने कभी अपने बैंक में नहीं देखी होगी। तो ये है तरीका ईमेल से अर्निंग करने का। और आपको मैंने बताया कि जैसे ईमेल मार्केटिंग होती क्या है कि जब आपको लोग जानते हैं, आप कुछ उनको ऑफर करते हो और वो आप ऑप्ट इन करते हैं, आपके ईमेल को अपने ईमेल में जाके कन्फर्म करते हैं, देन जब आप उनको सीक्वेंसेस सेंड करते हो तो उसको ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं, ना कि किसी तीसरे पार्टी के द्वारा ईमेल को खरीदना या किसी तीसरे पार्टी के द्वारा जैसे कि माइक्रो वर्कर्स एंड कोई भी फ्रीलांसर को देके उस पर ईमेल ऑप्टेन करवाना। वो एक ईमेल ऑप्टेन या ईमेल मार्केटिंग नहीं है, वो एक स्पैम मार्केटिंग है जहाँ आपकी कोई भी पहचान नहीं होती है और सिर्फ आप लोगों के इनबॉक्स में स्पैम करते हो जहाँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। अगर आपको ईमेल ही कलेक्ट करना है तो आप लोगों को कुछ ऑफर करो, चाहे वो पेड एड्स के द्वारा चाहे वो फ्री एड्स के द्वारा। जब लोग आपके साथ ऑप्टेन करेंगे, आपको जानेंगे, तो जब आप उनके ईमेल तक पहुंचोगे तो चांस ये रहेगा कि ज्यादातर लोग आपके ईमेल को ओपन करेंगे और आपके प्रोडक्ट को बाय करना चाहेंगे, बिकॉज वो रिलायबल होंगे और वो लोग आपसे कॉन्टेक्ट में
होंगे, आपको जानते होंगे, तो आपके जो प्रोडक्ट हैं या कोई भी आप ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हो उसको करना बहुत ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ईमेल स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर आपके पास एक ईमेल का सॉफ्टवेयर रहना चाहिए जिसको ईमेल जिससे आप ईमेल ऑटोमेट लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, ऑटोमेट करके लोगों तक पहुंचा सके। तो सबसे पहले आपके पास एक ईमेल सॉफ्टवेयर होना चाहिए ईमेल स्टार्ट करने के लिए, ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए। ईमेल सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, जैसे ए वेबर है, गेट रिस्पॉन्सर है, मेलिंग बॉस है, और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन मैं आपको जो बोलूंगा और जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दैट इज कॉल्ड मेलिंग बॉस, जो कुछ ऐसा दिखता है मेलिंग बॉस, और जो आपको अनलिमिटेड ईमेल करने का मौका देता है अपने सॉफ्टवेयर से। तो आप इसके जरिए अनलिमिटेड ईमेल्स कर सकते हो जो बहुत ही ज्यादा आपको चीप पड़ेंगे, ज्यादा महंगे भी नहीं पड़ेंगे। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे एक लिंक मैं दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर सकते हो, और यहाँ से आप अनलिमिटेड ईमेल कर सकते हो। और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो आप मेलिंग बॉस से कर सकते हो, और बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं उनके कंपेयर में मेलिंग बॉस बहुत अच्छा है अगर आप एक बिगिनर हो तो। स्टेप टू, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट, लिस्ट यानी क्या, मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट यानी क्या। लिस्ट यानी गाइस ये, जैसे कि यहाँ आपको एक लिस्ट दिख रही है, और भी बहुत सारी लिस्ट है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैंने आपके लिए एक लिस्ट करके रखी हुई है। जैसे कि मैंने ये लिस्ट बनाई है कि मुझे इसके थ्रू लोगों को ईमेल ऑटोमेशन ऑटोमेट करने हैं और उन तक पहुँचाने हैं। ठीक है, तो ये एक लिस्ट है कि यहाँ मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। ऐसे ही आप भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो अपने ईमेल सॉफ्टवेयर्स में। जो नेक्स्ट जो स्टेप है गाइस, स्टेप थर्ड, और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, या आप इसको एक और नाम से बोल सकते हो, ईमेल सीक्वेंसेस। ठीक है, तो ऑटोमेशन इट्स सो 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे मतलब ईमेल स्टार्ट करने से पहले आपको आपके पास ईमेल सीक्वेंसेस होने ही चाहिए। ठीक है, ईमेल सीक्वेंसेस होने ही चाहिए। तो क्या होता है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ कुछ आपको ईमेल सीक्वेंसेस दिख रहे होंगे, आई होप, यस आई होप आपको दिख रहे होंगे। तो ये मेरे पूरे सीक्वेंसेस हैं किसी भी एक पर्टिकुलर लिस्ट के लिए। ठीक है, तो ये मैंने पहले से तैयार कर रखा हुआ, तो ये भी आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ईमेल मार्केटिंग करते हो। तो ये भी मैं बताऊंगा कि आप कैसे अर्निंग करोगे, नो वरी, पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको कितना अर्निंग होगा। तो स्टेप थ्री आपका ये है, एंड द स्टेप फोर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उससे ही सारी चीजें होने वाली है। तो जब आपने बैकएंड पे ये सारे काम कर लिए, लाइक आपने सॉफ्टवेयर खरीद लिया, लिस्ट बना ली, सीक्वेंसेस बना लिए, अब जो फोर्थ चीज है दैट इज कॉल्ड ट्राफिक। ट्राफिक गाइस, ट्राफिक ही वो चीज है जो आपको 10,000 ईमेल या 1,000 ईमेल या 1,00,000 ईमेल देगी। ठीक है, क्योंकि ट्राफिक के बिना आप इतना तेज ग्रोथ नहीं पा सकते। तो ट्राफिक के क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, पहला आपका है पेड, एंड जो दूसरा है वो है आपका फ्री। फ्री, पेड एंड फ्री। फ्री में आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो, एंड पेड में भी आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो। अब फ्री में क्या प्रॉब्लम आती है, फ्री में ये प्रॉब्लम आती है आपको हर चीज मैनुअली करना पड़ता है, और ये थोड़ा टाइम भी ले सकता है। ठीक है, लेकिन पेड में क्या होता है, पेड में आप एड्स रन कर सकते हो, लोगों को कुछ ऑफर करते हो, लोग फटाफट ऑप्टेन करते हैं, और आपका जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट है वो आगे बढ़ते जाता है। तो ये एक पेड का अच्छा सॉल्यूशन है, और एक अच्छा ऑफर है कि आप तेजी से अपने ईमेल लिस्ट को ग्रो कर सकते हो। अब उसके बाद जब ये आपकी ईमेल लिस्ट ग्रो हो जाएगी, मान लो 1,000 की हो गई, तो अब आप लोगों को अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू जिस लिस्ट में आपने उनको ऑप्ट इन किया है, उस लिस्ट में आप पूरा सीक्वेंस करोगे और उनको डेली डेली कुछ ना कुछ ईमेल सेंड करोगे, चाहे आपके ऑफर्स के, चाहे आपके ऑफर्स के, ठीक है, चाहे आपके ऑफर्स के, चाहे आपके वैल्यू के, दोनों के कुछ भी आप उनको ईमेल सेंड करोगे। तो फर्स्ट आप उनसे कनेक्शन बनाओगे, कनेक्शन, ओके, कनेक्शन बनाओगे। अब वो आप स्टोरीज के थ्रू बना सकते हो, अपनी स्टोरी, खुद की स्टोरी, या किसी और की स्टोरी, ठीक है, या किसी और की स्टोरी। नेक्स्ट आप उनको अपने बारे में भी
डिटेल में बताओगे आप क्या करते हो, आपने क्यों ऑप्टिंग कराया एंड क्या आपका गोल है, मतलब एज अ स्टोरी फॉर्म, ठीक है, ना कि एक जस्ट चैटिंग चल रही है, ठीक है। एंड आफ्टर दिस आप उनको एक ऑफर दोगे जो बहुत ही कम पैसों का होगा, ना कि बहुत ही ज्यादा पैसों का, ठीक है, 25 to 50 डॉलर, उससे ज्यादा नहीं, 25 to 50 डॉलर, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद आपके जो लोग कन्वर्ट होते हैं उनकी एक अलग लिस्ट जाएगी। ऑफ कोर्स जब आप उनको किसी ऑफर में भेजोगे तो वहां आपके लैंडिंग पेजेस होंगे, और वहां से जब वो ईमेल ऑप्टेन करेंगे तो वो जो ईमेल रहेंगे वो किसी और लिस्ट में जाएंगे, बिकॉज वो आपके एक एक्टिव सब्सक्राइबर होते जाएंगे। और जब वो लोग 25 to 50 डॉलर आपके लिए ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मेरे एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, प्लस ये मेरे वो सब्सक्राइबर हैं जिन्हें मैं अप सेल कर सकता हूँ इन फ्यूचर। अप सेल यानी ज्यादा महंगे प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, बिकॉज इनका फर्स्ट ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। इट्स मीन कि ये आप पे भरोसा करते हैं, और बाद में आप इन्हें और भी अच्छे प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो। उसके बाद ये आपके ईमेल लिस्ट के परमानेंट सब्सक्राइबर हो जाएंगे। फिर आप ऐसे ही करके यही फॉर्मूले को बार बार रिपीट करके अच्छा खासा ईमेल लिस्ट अपना ग्रो करके, जैसे कि मैंने बताया कि आप कितना ज्यादा पोटेंशियल है ईमेल लिस्ट में और आप कितना ज्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हो, तो ऐसे ही करके आप बार बार ईमेल्स का उपयोग करेंगे और ईमेल मार्केटिंग में ग्रो करेंगे। एंड इट्स अ वेरी वेरी इजी गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर लेना है और वो सॉफ्टवेयर आपको हेल्प कर सकता है। आपको लगता है जब कोई भी आपको ईमेल भेजता है कि वो बंदा आपको मैनुअली ईमेल भेज रहा हो, जिन लोगों को नहीं पता रहती है ये सारी चीजें, लेकिन ये सारी चीजें मैनुअली नहीं होती हैं, बिलीव मी, ये पूरा ऑटोमेशन होता है। और आपको लगता है कि ये सच में आपके साथ कोई मैनुअली आपको डेली सेंड कर रहा है, और आप उससे कनेक्ट करते हो और एट द एंड वो अपनी चीजें आपको सेल करता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है उसको ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। और इसमें आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और भी बहुत ज्यादा आपको लॉन्ग चैट करना है मुझसे या बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका नेम है @TOUHIDAHMADOFFICIAL। एनी टाइम आप कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप ईमेल के लिए जाते हो तो आप बिल्डर को बाय करो। बिल्डर क्या है, कैसे सारे काम होते हैं, उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स मिल जाएंगे, क्लिक करना, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। और भी बहुत सारे मेरे बोनसेस जहां आपको सीक्वेंसेस भी फ्री मिलेंगे ईमेल के, और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑडियो वीडियो एंड एनीवेयर। बाय बाय, जय हिंद।